बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं हिंदी की 9वीं से गद्य खंड का जो गेहूं और गुलाब नामक पाठ है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आज हम राम वृक्ष रैनीपुरी जी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब निबंध पढ़ने जा रहे हैं। निबंध गद्य की महत्वपूर्ण विधा है, तो पहले आइए हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय निबंध का जान लेते हैं। हिंदी में निबंध का विकास आधुनिक युग में हुआ था और हिंदी गद्य की वह प्रमुख रचना है जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित होता है। निबंध का जो शाब्दिक अर्थ है वो निधन बंध से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, परंतु इसका जो वास्तविक अर्थ है वो बंधन से रहित है। जैसे नी उपसर्ग लगा देते हैं तो रहित तो शब्द हो जाता है। इसमें लेखक अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र और जिम्मेदार होता है। निबंध की शैली और भाषा दोनों ही प्रभावशाली होना चाहिए। बच्चों, निबंध मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, कथात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। और कथात्मक निबंधों में काल्पनिक वृत्त, आत्मचरितात्मक प्रसंग, पौराणिक आख्यान तथा प्राकृतिक वर्णन आदि विषयों का कथा प्रवाह के रूप में वर्णन किया जाता है। और वर्णनात्मक जो निबंध होते हैं उसमें प्रकृति या मनुष्य जीवन की घटनाओं का वर्णन शैली के माध्यम से संगठित किया जाता है। इस प्रकार से निबंधों का संबंध काल विशेष से होता है। इस प्रकार निबंधों में गतिशीलता अपना प्रमुख स्थान रखती है। तीसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों में लेखक अपने विचारों को सुगठित और सुसंबद्ध रीति से अपने विषय के प्रति स्थिर किए वह दृष्टिकोण से द्वारा प्रस्तुत करता है। इस कोटि के निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। आध्यात्म शक्तिवान और मनोवैज्ञानिक रूप से ये समर्पित समस्याओं को का निवारण कर सकने में सक्षम होता है। और भावात्मक जो निबंध है, भावात्मक निबंध में बुद्धि तत्व की अपेक्षा हृदय पक्ष की प्रधानता रहती है, अर्थात भाव की प्रधानता रहती है। लेखक का उद्देश्य अपनी सरल अनुभूति द्वारा पाठकों तक अपने विचारों को पहुंचाना रहता है, जिसमें सामाजिक, ऐतिहासिक, पर्यटन आदि सभी प्रकार की समस्याओं का समावेश होता है। आपकी परीक्षाओं में जो निबंध आते हैं तो आपने देखा होगा, दहेज प्रथा पर आता है, त्योहार पर आता है, राष्ट्रीय त्योहारों पर आता है, खेल का वर्णन आता है, विज्ञान के चमत्कार के रूप में आता है। तो मैंने सभी प्रकार के विषयों को इसमें समावेश किया जाता है। अब आइए हम कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई निबंध की परिभाषा को देख लेते हैं, जो आपकी पुस्तक में पेज नंबर 86 पर दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध हिंदी गद्य की कसौटी है। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति और संबद्धता के साथ किया जाता है। बच्चों, हिंदी के जो हिंदी में हिंदी साहित्य में निबंध के विकास क्रम को चार भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेन्दु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लोत्तर युग। भारतेन्दु युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं वो भारतेन्दु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, और द्विवेदी युग के निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शुक्ल युग के महत्वपूर्ण जो निबंधकार हैं वो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, पदुम लाल, पुन्ना लाल बख्शी, शांति प्रिय द्विवेदी। और शुक्लोत्तर युग माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का जो युग आया है उसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, अमृत राय, रामविलास शर्मा आदि। बच्चों, वैसे तो निबंध की चार ही मुख्य विधाएं हैं, लेकिन शुक्लोत्तर युग के बाद रचना की दृष्टि में
दो विधाओं को और शामिल कर लिया गया है, इसमें संस्मरणात्मक निबंध और ललित निबंध। इस प्रकार से रचना की शैली से 6 प्रकार के निबंध हो गए हैं। बच्चों अब हम रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब निबंध का अध्ययन करेंगे। उसके पूर्व हम लेखक परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। रामवृक्ष बैनीपुरी जी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और सन 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी स्कूली शिक्षा अधूरी रह गई। इन्होंने मैट्रिक के बाद अध्ययन नहीं किया, परंतु स्वाध्याय के माध्यम से रामचरितमानस जैसे धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों के पठन पाठन से इनके अंदर साहित्य एवं काव्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई। साहित्य सेवा के क्षेत्र में आपका पदार्पण पत्रकारिता के माध्यम से हुआ। आप 15 वर्ष की अवस्था से ही पत्र पत्रिकाओं में लिखने का कार्य शुरू कर दिया था। आपने गद्य की कई विधाओं में लेखन कार्य किया है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृतांत और ललित निबंध आदि सभी विधाओं में लिखकर विपुल मात्रा में साहित्य सर्जना की है। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। इन्होंने उपन्यास इनका है पतितों के देश में, रेखा चित्र माटी की मूर्तें, लाल तारा, निबंध गेहूं और गुलाब, मशाल, कहानी चिता के फूल, कहानी संग्रह, जीवनी, महाराजा प्रताप सिंह और काल मार्क्स। आइए अब इनकी भाषा और शैली की ओर संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और उर्दू के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग मिलता है। विशिष्ट प्रकार की अलंकृत भाषा एवं भावुकता प्रधान शैली के कारण हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में बैनीपुरी जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है, अलग ही स्थान है। आपकी रचनाओं में मुहावरों, कहावतों का प्रयोग मिलता है और जो आपकी भाषा शैली है उससे संस्मरण और रेखा चित्र और अधिक प्रभावित हो रहे हैं। और आपकी भाषा में शब्द चित्र को अत्यंत सजीवता प्रदान की है। ओजपूर्ण अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग होने के कारण आपका जो लेखन है वो उपदेशात्मक ज्यादा प्रखर हो उठा है। और आपने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कार्य किया, इसलिए देशभक्त और 15 वर्ष की आयु से लेखन कार्य कर रहे थे। कई विधाओं में आपने लेखन कार्य किया है, कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है, इसलिए आप देशभक्त और साहित्यकार के रूप में विख्यात हैं। हिंदी साहित्य जगत में आपको कलम के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों अब हम गेहूं और गुलाब पाठ का भाव सारांश देखेंगे। पाठ 4, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब विचार एवं भाव प्रधान ललित निबंध है। गेहूं भूख एवं शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है तो गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का। बच्चों यहाँ पर गेहूं और गुलाब जो दो शब्द दिए हैं, लेखक ने गेहूं और गुलाब को लेकर निबंध नहीं लिखा है। इन्होंने गेहूं को गरीबी का, भूख का, शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक माना है और गुलाब को सौंदर्य मानसिक तृप्ति का प्रतीक माना है। मनुष्य को शरीर रक्षा के साथ साथ मानसिक तृप्ति की भी आवश्यकता होती है। गेहूं तक मानव और पशु में कोई अंतर नहीं होता। मानसिक वृत्तियों को तरजीह देने के कारण गुलाब मानव को पशु से इतर मानव बनाता है। यह तरजीह और इतर ये उर्दू शब्द है। तो देखिए गेहूं और अनाज का मतलब भूख का संबंध मनुष्य और पशु दोनों से समान है। दोनों को भूख लगती है और भोजन करते हैं, परंतु मानसिक वृत्तियों के कारण ही गुलाब ने मनुष्य को पशु से अलग और ऊंचा उठा दिया है। जब तक मानव जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहता है वह सुखी और सानंद होता है।
यदि शारीरिक और मानसिक तृप्ति के लिए गुलाब को विलासिता, भ्रष्टाचार, गंदगी और गलीज का प्रतीक बनाया जाएगा तो महाभारत जैसा सर्वनाश महानाश होगा। यहाँ पर लेखक ने भूख और मानसिक विचारों, शारीरिक और मानसिक दोनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही है। शरीर के साथ अगर हम शारीरिक आवश्यकता भौतिकता को महत्व देते रहेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति विकृत हो जाएगी। यहाँ पर पुराणिक आख्यान का जो हमारा महाभारत है उसका जिक्र करते हुए लेखक ने कहा है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जब कृष्ण भगवान को पता था कि वह दिन में तो गाय चराते थे और रात्रि में रास रचाते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनके पैर आकाश की ओर जब वो देखते थे तो उन्हें पता रहता था कि उनके पैर जमीन पर है। और जब उन्होंने देखा, यहाँ पर लेखक ने सांवला शब्द प्रयोग किया है कि उसका सांवला दिन में गाय चराता था और रात में रास रचाता था। वे पृथ्वी पर रहते हुए आकाश को नहीं भूले, आकाश पर नजर पड़ी तो उन्हें याद रहा कि उनके पैर मिट्टी पे है। और जब गुलाब मानसिक तृप्ति के स्थान पर भ्रष्टाचार विलासिता का प्रतीक बन जाता है तब श्री कृष्ण ने हाथ में शंख चक्र धारण कर अधर्म के नाश के लिए, धर्म को बचाने के लिए पांडवों का साथ दिया और महाभारत का युद्ध हुआ। इसलिए यहाँ लेखक कहना चाहता है कि जिस प्रकार दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन उसकी भूख बढ़ गई थी और उसने विचारों में संतुष्टि नहीं रखी, इसलिए महाभारत जैसा सर्वनाश हुआ। आज मनुष्य शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता से प्रभावित हो रहा है। इससे बचने के लिए दो उपाय हैं, इंद्रियों का संयम और वृत्तियों का उन्नयन, अर्थात स्वस्थ शरीर पर तृप्त प्रभुता, तृप्त मानस की प्रभुता। बच्चों यहाँ पर देखिए, लेखक ने कहा है कि इंद्रियों का संयम माने विचारों को हम सीमित, हमारे जो इंद्रियां हैं भोग विलास की ओर भागने वाली इच्छाएं हैं, इनका हम संयमन करें, इनको नियम, इनको संयमित करें, और वृत्तियों माने विचारों का उन्नयन करें। गांधी जी ने कहा था सादा जीवन उच्च विचार, यही है हमारे जीवन का श्रृंगार। और गांधी जी की जो कही हुई बात है, लगभग उन्होंने 30 वर्ष तक यही बात कही और हम धीरे धीरे उनकी इस बात को भुलाते हुए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा देश सोने की लंका था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, पर हम ये ना भूलें कि एक सोने की लंका भी थी, इससे और उसमें राक्षसता का निवास था। 10 मुंह वाला रावण था, 6-6 माह सोने वाला कुंभकर्ण था, वह दूसरों की बहु बेटियों को उठाने में भी झिझकता नहीं था। इसलिए लेखक कहना चाहता है कि गेहूं और गुलाब को परस्पर पूरक बनाने की आवश्यकता है। पेट की भूख शांत होने पर वासनाओं की भूख जागृत हो जाती है और इसीलिए शारीरिक और मानसिक वृत्तियों में संतुलन बिठाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि हमारे गांधी जी ने भी कहा था कि अपरिग्रह की का संदेश दिया था, और इस प्रकार हम गेहूं और गुलाब में संतुलन बिठा लेते हैं तो हमारी दुनिया रंगीन हो जाएगी, स्वर्णिम लोक का आनंद देगी। बच्चों आपने गेहूं और गुलाब से ये सीखा होगा कि हमें भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ वैचारिक विचारों को भी हमें उच्च बनाना चाहिए और हमारे मानस को तृप्त करना चाहिए, हमें प्रकृति से भी तृप्ति का अनुभव करना चाहिए कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और हम उससे तृप्त हों और उससे हम शिक्षा प्राप्त करें। आइए हम महत्वपूर्ण व्याख्याओं पर जाते हैं, गद्यांश को देखते हैं। उसका प्रथम गीत निकला जब उसकी कामिनियां गेहूं को उखल और चक्की में कूट पीस रही थी, पशुओं को मार कर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ, उनकी खाल का बनाया ढोल और उनके सींग की बनाई तो रही। मछली मारने के लिए जब
वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसकी छप छप में उसने ताल पाए, तराने छेड़े, बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, बंसी भी बजाई। बच्चों इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। कामिनिया माने सुंदर स्त्रियां, उखल साबुत अनाज और मसाला कूटने का बर्तन, तृप्त माने संतुष्ट, और तुरही एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो भौंकू के समान होता है। इसका संदर्भ बच्चों इस प्रकार लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश गेहूं और गुलाब नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी जी हैं और प्रसंग है, लेखक ने गेहूं और गुलाब के माध्यम से शारीरिक एवं मानसिक संतुलन का अंतर संबंध बताया है। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेखक कहता है कि किसान द्वारा उपजाए गेहूं को ओखली में डालकर साफ करने और गेहूं से आटा बनाते समय घर की सुंदर स्त्रियां गीत गाती हैं। वे श्रम को संगीत से हल्का कर लेती हैं। वे भूख और शारीरिक आवश्यकताओं के बीच मानस को तृप्त कर लेती हैं। यहाँ पर लेखक का कहना है कि खेत में जो गेहूं की बालें होती हैं उससे गेहूं निकालने का कार्य ओखली में डालकर किया जाता है। जब गेहूं साफ हो जाता है तो फिर आटा बनाया जाता है। तो घर की जो सुंदर स्त्रियां कार्य करते करते गीत गाती हैं, जिससे उनका जो श्रम है वो उनको संगीतमय लगने लगता है, श्रम का बोझ कम हो जाता है, और इस प्रकार से भूख और शारीरिक आवश्यकताओं के बीच में वह मनोरंजन का साधन ढूंढ लेती हैं। आखेट के युग में मनुष्य पशुओं को मारकर खाता था, उसके चमड़े से ढोल व सींग से तुरही बनाकर संगीत का आनंद उठाता था। आखेट जो हमारा प्राचीन युग है, जहां पर शिकार करके पशुओं को खाया जाता था, तो उसकी चमड़ी से मनुष्य बुद्धिमान था और बुद्धि के कारण ही तो वो पशु से ऊपर है। तो उसने चमड़े से ढोल बना लिया और सींग से तुरही नामक एक संगीत का यंत्र बना लिया, और वह रात्रि में आग जलाकर उससे नृत्य करते थे और संगीत मनोरंजन करते थे और दिन भर की थकान को मिटाते थे। मछुआरा भी जब मछली का जाल नदी या तालाब में फेंकता है तो वो पतवार की छपछप के बीच में भी गाना गाता है। और खेतों की रखवाली के लिए जो बांस था, वो केवल बांस बना के नहीं, बांस तो था ही, लाठी का कार्य कर रहा था, परंतु उसने बैठे बैठे में बांसुरी बना ली और उस समय बांसुरी की मधुर तान को छेड़कर अपने श्रम को मनोरंजन में बदलता रहा। यह विशेष है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और प्रकृति एवं मानव का संबंध, और मनुष्य ने अपनी बुद्धि बल के स्तर पर मनोरंजन के साधन को भी ढूंढा है, श्रम को संगीत में बदला है। अगली व्याख्या देखते हैं। गद्यांश, रात का काला धूप पर्दा दूर हुआ तब वह उच्छ्वासित हुआ, फिर सिर्फ इसलिए नहीं कि पेट पूजा की संविधा मिटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से उगते सूरज शने शने प्रस्फुट होने वाली सुनहरी किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते लक्षरस ओष कणों से, आसमान में जब बादल उमड़े तब उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उसके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। बच्चों कठिन शब्द देख लेते हैं। काला धूप माने घना अंधेरा, रात्रि का घना अंधेरा, उच्छ्वासित उठना, प्रफुल्लित होना, समिधा हवन को जलाने वाली लकड़ी, और यहाँ पर समिधा शब्द का उपयोग पेट की भूख को मिटाने वाली तत्व से है, प्रस्फुट खिली हुई। संदर्भ गेहूं और गुलाब नामक पाठ से लिया गया है ये गद्यांश, और इसके लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी है। प्रसंग में आएगा, लेखक ने बताया है कि प्रकृति के उपादानों तत्वों से मनुष्य प्रसन्न होता है। व्याख्या देख लेते हैं। लेखक कहता है कि जब रात के घने अंधेरे के बाद, माने जब रात्रि में मनुष्य सो जाता है और वह सुबह उठता है, तो उठकर वो ये नहीं सोचता कि मैं पेट भरूंगा और खाने के लिए नए नए साधन जुटाऊंगा, बल्कि वह तो उगते हुए सूरज को और सुनहरी धूप को, उसके कणों को, उमड़ते हुए बादलों को देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो जाता है।
और आकाश में छाए हुए इंद्रधनुष को देखकर उसका मन भी इंद्रधनुष के समान रंगीन हो जाता है। अर्थात मनुष्य केवल पेट के लिए नहीं जीता, मानसिक सौंदर्य, मानसिक तृप्ति के लिए भी जीता है। इसका विशेष है भाषा सरल, सहज और प्राकृतिक सौंदर्य से मानसिक तुष्टि मिलती है। मानव शरीर के पेट, मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानव समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तनकर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। बच्चों संदर्भ वो पहले की तरह है और प्रसंग में आएगा कि लेखक ने मानव और पशु की शारीरिक बनावट के भेद के आधार पर मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बताया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, रामवृक्ष वैनीपुरी जी कहते हैं कि मानव शरीर में पेट का स्थान हृदय और मस्तिष्क सबसे ऊपर होता है और पशु में तीनों एक ही रेखा में होते हैं। इसी कारण से मनुष्य सीधा खड़ा हुआ है तो वैचारिक क्षमता के आधार पर पशु से श्रेष्ठ है और विचारों को महत्व दिया है मनुष्य ने, इसीलिए उसने पेट पर विजय प्राप्त कर ली है। यहाँ पर विशेष आपने बच्चों में एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हमारे ऊपर कार्यों का बोझ होता है, परीक्षा आ जाती है, सुख दुख होता है, तो हमें भूख प्यास नहीं लगती, हम चिंतन में लग जाते हैं। यहाँ विशेष है मानव अपने मस्तिष्क के कारण पशु से श्रेष्ठ है, भाषा सरल और सहज है। अब आइए हम बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। गेहूं और गुलाब एक विचारात्मक निबंध है। गेहूं और गुलाब के लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी जी हैं। गेहूं और गुलाब निबंध में गेहूं गरीबी का प्रतीक है। गेहूं और गुलाब निबंध में गुलाब विलासिता का प्रतीक बन गया है। वैसे वो मानसिक तृप्ति का प्रतीक था, लेकिन वर्तमान समय में विलासिता का प्रतीक बन चुका है। गेहूं और गुलाब में हम फिर एक बार संतुलन स्थापित करेंगे। मानव पृथ्वी पर आया तो अपने साथ भूख लेकर आया। आइए हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया? तो बच्चों पृथ्वी पर मानव अपने साथ भूख लेकर आया। मानव को मानव किसने बनाया? मानव को मानव गुलाब ने बनाया। मानव जीवन सुखी और आनंदित कब होता है? बच्चों मानव जीवन सुखी और आनंदित सूर्योदय पर हुई लालिमा ओस की बूंदों को देखकर होता है। जीवन में भौतिक प्रगति और मानसिक शांति तभी होती है जब वह मानसिक रूप से तृप्त होता है। गुलाब किसका प्रतीक बन गया है? गुलाब मानस तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। आज का मानव किस परंपरा से प्रभावित है? आज का मानव महाभारत की परंपरा से प्रभावित है। सब ओर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठकर हमारी प्रवृत्ति किस ओर होना चाहिए? तो कामनाओं की स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठकर हमारी प्रवृत्ति सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, माने आत्मा की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब शारीरिक आवश्यकताओं का प्रतीक है और गुलाब भ्रष्टाचार, विलासिता, गंदगी का प्रतीक बन चुका है। मनुष्य पशु से किस प्रकार भिन्न है? मनुष्य का पेट हृदय और मस्तिष्क से नीचे ऊपर है। मनुष्य का पेट हृदय और मस्तिष्क से नीचे है, इसलिए उसकी विचार क्षमता पशु से अधिक है। जबकि पशु के पेट, हृदय, मस्तिष्क सभी समानांतर रेखा में है, इस प्रकार से मनुष्य पशु से भिन्न है। वृत्तियों को वश में करने के लिए मनोविज्ञान ने कौन कौन से उपाय बताए हैं? बच्चों वृत्तियों को वश में करने के लिए मनोविज्ञान ने दो उपाय बताए हैं, इंद्रियों का संयमन और वृत्तियों का उन्नयन, माने वृत्तियों को ऊंचा उठाना। लेखक के अनुसार शुभ दिन का स्वरूप कैसा होगा? तो लेखक के अनुसार जो शुभ दिन जब आएगा, जब हम अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर को तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बसाएंगे, हम मानव सेवा की ओर बढ़ेंगे और विचारों को उच्च करेंगे, तभी हमारे जीवन में शुभ दिन आएगा। लेखक गेहूं और गुलाब में संतुलन स्थापित करना क्यों चाहता है? लेखक गेहूं और गुलाब में संतुलन स्थापित इसलिए करना चाहता है कि मानव भौतिकता के जाल में से मुक्त होकर सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद प्राप्त करे। मनुष्य बुद्धि बल में श्रेष्ठ प्राणी है, अतः उसका मानसिक स्तर ऊंचा होना चाहिए
और अपनी संस्कृति को वो आगे बढ़ाए। बच्चों गृह कार्य लिख लीजिए, गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस। दूसरा, गुलाब मानसिक तृप्ति और सौंदर्य बोध का प्रतीक है। तीसरा, गेहूं मनुष्य की भूख और शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है। चौथा, क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति नहीं दे सकती। पांचवा, मानव के जीवन में जब तक गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा वह सुखी रहा, सा आनंद रहा। बच्चों ये पुस्तक में पढ़कर इसे सत्य असत्य के निशान लगाना है, आप पाठ को पढ़िए और सत्य असत्य देखिए। आज का पाठ बच्चों यही समाप्त होता है, अगले पाठ में मिलेंगे।